हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक इन माय ट्यूटोरियल। सो मैं हूं आकाश पांडे, आप देख रहे हैं यूनिक सिंपली मेक योरसेल्फ यूनिक। कैसे हो आप लोग गाइस? बहुत दिन से आप लोग कमेंट कर रहे थे कि सर पोर्टफोलियो बनाना सिखा दो। आप बोलते हो कि पोर्टफोलियो सबमिट करना चाहिए, उससे हमारी जॉब भी लगती है और कई लोगों को लगी भी। बट आपका ये भी क्वेश्चन रहता है कि सर बनाए कैसे, समझ में नहीं आता। कुछ लोग बनाते हैं, मुझे भेजते हैं, बट उनके पोर्टफोलियो में वो क्वालिटी नहीं रहती है जिस क्वालिटी की नीड होती है। तो आज के वीडियो में हम लोग इसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि पोर्टफोलियो कैसे बना सकते हैं, कंप्लीट पोर्टफोलियो किसी को सबमिट करेंगे तो क्या क्या चीजें उसमें ध्यान रखें जिससे कि वो बेहतरीन बन सके। तो वीडियो थोड़ी लंबी बनेगी, क्यों? जब कंटेंट में दम होता है तो वीडियो लंबी बनती है। तो इसको हमारे तरफ से ये कहना है कि कंप्लीट देखिए और देखने के बाद आप नीचे कमेंट करिए, हाँ सर मुझे मजा आया, और जैसा भी रहेगा आप अपना व्यू जरूर शेयर करिए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। गाइस, अगर अभी तक आप लोगों ने यूनिक सिविल ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो सबसे पहले यूनिक सिविल ऐप डाउनलोड करो, क्योंकि इसके अंदर ढेर सारे स्टडी मटेरियल्स आपको मिल जाएंगे और साथ ही साथ बहुत ढेर सारे प्रैक्टिस प्रोजेक्ट मिल जाएंगे जिनको आप ऑटो कैड स्टैट प्रो में प्रैक्टिस कर सकते हो। इसमें फ्री और पेड दोनों कंटेंट है, जो आपको पसंद आए वो आप उसको लेके यूज कर सकते हैं। सो पहले आप लोग ऐप डाउनलोड करिए। चलिए थैंक यू, अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस, मैंने पहले भी बोला था कि पोर्टफोलियो बनाना बहुत ईजी होता है। देखिए, पोर्टफोलियो का एक सैम्पल आपके सामने यहाँ पर है। तो इसमें सबसे पहले देखिए आपको क्या करना चाहिए, ऊपर लिख देना चाहिए अपना पोर्टफोलियो, नाम वगैरह जो भी लिखना चाहो लिख दो, ईमेल आईडी मेंशन करना चाहो तो कर सकते हो। इसके बाद गाइस आपको सिंपल यहाँ पर मैं नाम लिखने के लिए बोलता हूँ, जिससे कि आपका जो भी आपने बनाया हुआ पोर्टफोलियो कोई कॉपी ना करे, ऐसे लिख सकते हो। और आपने जो जो अभी तक में प्रोजेक्ट किया, जैसे मेरा स्टूडेंट है ये BIM बैच का, तो उसने बनाया, अभी ये BIM में जॉब भी कर रहा है, तो ये आपके पास, ये देखिए इस तरीके से 3D मॉडलिंग जो भी आपने रेंडर किए थे, थोड़ा छोटा कर देता हूँ जिससे अच्छा दिखे, जो आपने रेंडर किया था रेविट से, उस रेंडर को यहाँ पर डायरेक्ट लगा दीजिए। कैसे लगाना है ये भी आगे बताऊंगा, सो टेंशन मत लेना। अब इसका इसी प्रोजेक्ट का साइड व्यू आपने दिखा दिया, इसी प्रोजेक्ट का आपने बैक व्यू दिखा दिया, और इसी प्रोजेक्ट का आपने फ्रंट व्यू, सॉरी दूसरा प्रोजेक्ट है, दूसरे प्रोजेक्ट का इसमें फ्रंट व्यू दिखा दिया और दूसरे प्रोजेक्ट का ही साइड व्यू दिखा दिया। तो मतलब जितने प्रोजेक्ट्स आपने किए हैं उसी का बैक व्यू दिखा दिया। आप कोशिश करो मिनिमम 5 ऐड करो, और इसके बाद नाइट मोड आपको दिखाना है तो ऐसे नाइट मोड दिखा दो आप, और इसके बाद यहाँ पर आप बैक व्यू दिखा सकते हो, और बैक व्यू के बाद यहाँ पर आप इस तरह के रेंडर भी दे सकते हो। अब आप बोलोगे सर ऐसी रेंडरिंग हमने रेविट के अंदर नहीं देखा है, तो ऐसी रेंडरिंग आपको रेविट में ही एक इंस्केप करके सॉफ्टवेयर आता है, getintopc.com वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो इंस्केप, जो कि रेविट के अंदर ही चला जाएगा और उससे इस तरह की रेंडरिंग आपको मिल जाएगी। मेरे लैपटॉप में सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि वो उसी के लैपटॉप में करेगा जिसके पास राइजन का या फिर AMD या फिर NVIDIA का ग्राफिक्स कार्ड है, और मेरे में इंटेल का ग्राफिक्स कार्ड है, इसलिए सपोर्ट नहीं करता। तो इस तरह रेंडर आप कर सकते हो, इसके नाइट मोड भी आप इस तरीके से देख सकते हो। इसके बाद अब इसी प्रोजेक्ट का देखो कितना बेहतरीन रेंडर है, अभी और आगे देखेंगे तो आपको दिखेगा अरे वाह, ये इस तरीके का प्रोजेक्ट देख रहे हो, ये आपके पास पूरा का पूरा इंस्केप से रेंडर होके आ जाएगा, आपका वही प्रोजेक्ट है जो ऊपर रेंडर हुआ था, बट क्वालिटी में डिफरेंस समझो कितना ज़्यादा है। ये देखो अच्छा लग रहा है, लग रहा है कि आपके सपनों का महल है। तो हमारे BIM के बैच में हर एक स्टूडेंट अपना एक एक प्रोजेक्ट कम्प्लीट ऐसे करके सबमिट करके देता है हमें, एक बड़ा प्रोजेक्ट एक छोटा, तो इसने एक बड़ा किया और ऊपर आपने छोटे प्रोजेक्ट देखे थे। इसके बाद यहाँ पर आपके साइड व्यू है, सॉरी इंटीरियर व्यू, इंटीरियर व्यू के बाद लाइट का जो भी इफेक्ट आपको दिखाना है उसके अंदर कैसे कैसे है, देखो कितना शानदार है। तो इस तरीके से आप करके इसको फिर पर नाइट टाइम करके और इस तरह से लगा सकते हो। अच्छा है तो कमेंट करना कि हाँ सर अच्छा लगा, और ये इनकी PDF है। एक और अगर आपको चाहते हो कि मैं इससे भी सर, ये तो मेरे मुझे यहाँ तक आता है, इससे भी एडवांस मुझे करके दिखाना है, फिर इससे एडवांस मुझे आता है प्रेजेंट करना है, तो उसके लिए भी आपको मेथड बताता हूँ। इससे एडवांस के लिए आप क्या कर सकते हो, इस तरह की बना सकते हो, ये मतलब उससे भी ज़्यादा अच्छे लेवल का है ये, इसमें थोड़ा काम आपको ज़्यादा करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा वही बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए आपको इस तरह से अपना एक पेज डिज़ाइन करना पड़ेगा, डिज़ाइन कैसे करते हैं वो भी बताता हूँ। ये पेज आप फ्रंट पेज एक बना के इमेज बना लीजिए, आप कैसे बनाएंगे बताता हूँ। इसके बाद आपके पास एक इस तरह से आप देखो एक्सप्लेन कर सकते हो अपनी PDFs एक्सेल उससे, सॉरी रेविट से निकाल सकते हो, और निकाल के रेविट से इस तरह लगा सकते हो। इसके बाद ओवरव्यू, ठीक है, इन्होंने एक्चुअली बोला था मुझे कि सर मेरा जो पोर्टफोलियो एक बार रिव्यू कर दीजिए यूट्यूब पे, और मैंने कहा ठीक है, कैलाश ने बोला था, तो मैंने कहा ठीक है आपको कर भी देते हैं, प्लस
बहुत से लोग जानना चाहते हैं कैसे बनता है, तो इनकी परफेक्ट थी, तो मैंने कहा आपको भी शेयर कर देता हूँ। तो देखो उन्होंने आर्टिस्चर, एमबीपी और नेविस पर तीन चीज़ें सीखी हुई, इन्होंने तीनों का इन्होंने यहाँ पर दिखाया हुआ है। इस प्रोजेक्ट के बारे में एक्सप्लेन किया है, जो प्रोजेक्ट आने वाला है प्रॉपर एक्सप्लेन करने के बाद उसका साइट प्लान, प्रोजेक्ट इन्फो जो भी उनके पास, उन्होंने एक्सप्लेन किया इसी तरीके से करना चाहिए। ओवरऑल फ्लोर का प्लान आप रेविट के अंदर ये बना सकते हो कंप्लीट, फ्रंट व्यू, बैक व्यू, और इसका से सारे के सारे व्यूज आप दिखा सकते हो, लेफ्ट से राइट से कैसा दिख रहा है आपका प्रोजेक्ट, उसका सेक्शन कैसे दिखेगा ये भी रेविट में आप दिखा सकते हो। इस तरीके से 3D में सेक्शन काट सकते हो, इस तरह से 2D में सेक्शन काट सकते हो। रेविट एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें 2D और 3D दोनों में सेक्शन कट कर सकते हो, आपके सामने है, और 3D में भी एंगल पे कट कर सकते हो। ये फ्लोर प्लान से, अगर आप फ्लोर प्लान दिखाने की ज़रूरत है तो आप उसको भी दिखा देंगे तो और अच्छा रहेगा। देखो इन्होंने भी इंस्केप ही यूज किया है, देखो ये इंस्केप का सिंबल है, इसी से रेंडर इन्होंने भी किया है। और उसके बाद यहाँ पर देखो एक्सप्लोर व्यू कभी कभी दिखाना पड़ता है कि कौन सा फ्लोर कैसे दिखेगा, ठीक है, तो आप इस तरीके से कट कट कर करके भी उसको दिखा सकते हो, जैसे आइसक्रीम कट करके खाते हो कुछ उसी तरीके से। ये भी इंस्केप से रेंडर हुआ है। इसके बाद स्टेयरकेस है आपका, स्टेयरकेस आप इस तरीके से दिखा सकते हो, ये भी रेविट में आप दिखा सकते हो, प्लस 3D व्यू में भी दिखा सकते हो रेविट के। फिर इन्होंने बहुत अच्छा यहाँ पर वर्किंग इंटरफेस दिखाया हुआ है कि किस लेवल पर हमने क्या किया हुआ है। कभी लोग कन्फ्यूज जाते हैं ना कि सर लेवल ड्रॉ कर रहे दिख नहीं रहा है, तो इस तरीके से अगर आप करके अपना स्नैप्स लगा देते हो तो पोर्टफोलियो इस तरीके से देखने के बाद मुझे क्या लगेगा, अच्छा ठीक है इस बच्चे के पास अच्छा नॉलेज है, तो डेफिनेटली इसके पास है कमलेश के पास, इसीलिए इसने अच्छा बनाया है। और यहाँ से यहाँ पर फैमिलीज बहुत अच्छी अच्छी यहाँ पर लगाए इन्होंने, इस तरीके से आप भी दिखाओ कि मुझे फैमिलीज भी आता है, तो इंटरव्यूअर को क्या पता चलेगा, अच्छा इस बंदे के पास कॉन्सेप्ट के साथ इनको ये भी नॉलेज है कि फैमिलीज को कैसे एडिट करते हैं, पैरामेट्रिक नॉन पैरामेट्रिक फैमिलीज क्या होती है, जितना डीप दिखा सकते हो। देखो इन्होंने शेड्यूलिंग दिखाया हुआ है, मैंने यूट्यूब पर बहुत ढेर सारे शेड्यूलिंग के वीडियोज दिए हुए आपको, तो आप इस तरीके से शेड्यूलिंग भी निकाल के दिखा सकते हो। रेंडर व्यू देखो बहुत ही अच्छे क्वालिटी का इन्होंने रेंडर निकाले हुए हैं, तो आप इन इस तरीके से रेंडरिंग भी कर सकते हो रेविट के अंदर। इसके बाद इंटीरियर व्यू भी अगर आपको सामने वाला बोल रहा है तो आप उसको दिखा दो इंटीरियर व्यू इस तरीके से। और उसके साथ ही साथ यहाँ पर इंटीरियर डायमेंशंस, एक एक रूम की क्या है, कोई स्पेसिफिक रूम है उसको प्रेजेंट कर दो। और इसके बाद इंटीरियर डिटेल्स देखो कितना ज़्यादा है, हाँ वेट करो क्योंकि नहीं तो फिर आपको पता नहीं चलेगा ये बनाना कैसे है, सो थोड़ा इंतजार करो और अच्छा आपको नॉलेज मिलेगा। यार देखो इंटीरियर डिटेल्स है, और इसके बाद बंगलो का प्रोजेक्ट है तो उसको क्या क्या चीज़ें लगेंगी अगर, तो आप इस तरीके से रैबिट में पूरा बना के दे सकते हो। मैंने अपने कोर्स में पूरा बता के दिखाया हुआ है कि कैसे सबमिट करते हैं। और इसके बाद यहाँ पर रेंडर, ये आपके सामने रेंडर है, देखो यहाँ पर लुमियन यूज हुआ है रेंडर के लिए, लुमियन भी यूज कर सकते हो और आप इंस्केप भी यूज कर सकते हो या फिर वीरे भी यूज कर सकते हो। यहाँ देखो प्रैक्टिस फ्लोर प्लान है, इस तरीके से आप इसको दिखा सकते हो। और इसके बाद यहाँ पर देखो यहाँ प्रोजेक्ट प्रैक्टिस सीट है कि इन्होंने क्या क्या कैसे कैसे किया हुआ है, सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। मैं दोनों को क्या यहाँ पर आपको दे दे रहा हूँ, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख के आराम से देख लीजिएगा। एक एक चीज़ को शेड्यूलिंग इस तरीके से बना दिया, उसके बाद आपको यहाँ पर रेंडर व्यू, दूसरे प्रोजेक्ट, ये दूसरा प्रोजेक्ट है, इसका भी अलग से रेंडर दिखा दिया, अलग अलग क्वालिटी का रेंडर, देखो बहुत बेहतरीन रेंडर इन्होंने दिखाया हुआ है। और यहाँ पर MEP का भी वर्क इन्होंने करके दिखाया हुआ है कि इनको MEP में क्या क्या आता है, देखो इस तरीके से आपको लिख देना चाहिए, बहुत अच्छा इन्होंने एक्सप्लेन किया एक्चुअली। और इसके बाद HVAC का क्या क्या आपको आता है वो दिखा दीजिए, उसके बाद आपको प्लान वगैरह जो भी आता है बता दीजिए, सप्लाई रिटर्न ये सब कुछ यहाँ पर दिखा दीजिए, HVAC की पाइपिंग किधर से गई हुई है। और यहाँ पर आप HVAC का व्यू दिखा सकते हो कि किधर किधर से हमारी डक्ट गई हुई है, इस तरह से आप इसके सारे के सारे व्यूज, फैमिलीज भी दिखा सकते हो कि मुझे रैबिट MEP की भी फैमिलीज को एडिट करना आता है, फ्लोर प्लान भी आता है, और आप स्प्रिंकलर सेक्शन भी अगर आपने लगाए हुए हैं तो स्प्रिंकलर कहाँ कहाँ लगाए हैं उसका भी एक पिक्चर क्लिक करके लगाइए, जिससे कि हमें ये भी पता चले कि आपको ये भी आता है। इंटरफेसेस जो भी अलग अलग हैं उसके लेवल्स इसमें भी दिखा दिया, जैसे रैबिट आर्किटेक्चर में दिखाया था वैसे इसमें भी दिखा दिया। तो इस तरीके से आपका लाइट का पैनल अगर कहाँ कहाँ पर आपने लगाया है, सप्लाई कहाँ कहाँ से दे रहे हैं, इलेक्ट्रिकल लेआउट यहाँ से आप दिखा सकते हैं, और यहाँ पर इलेक्ट्रिकल फैमिलीज दिखा सकते हैं, क्या क्या हमने यूज किया है, उसके क्या क्या पैरामीटर्स हैं, ये सारी चीज़ें दिखा सकते हो आप। अदर स्मॉल टास्क जो भी छोटे छोटे हैं कि इसको कनेक्ट कहाँ से करेंगे, कैसे करेंगे, कितना इंच पे पाइप लगाएंगे, एवरी डिटेल यू कैन प्रोवाइड इन रैबिट। बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है रैबिट जिसमें सब कुछ कर सकते हो आप, पंप रूम है, पंप मोटर है, व्यू लेआउट है, वर्कशीट है, बहुत अच्छा है। और यहाँ पर लास्ट है नेविस वर्क, नेविस वर्क में इन्हें क्या क्या आता है
ऑलरेडी मैंने भी पढ़ाया हुआ है सारे के सारे, कंबाइन कैसे करते हैं, रिव्यू कैसे करते हैं, क्लास कैसे चेक करते हैं, टाइम लाइनर कैसे करते हैं, और यहाँ पर ये सब कुछ इन्होंने दिखाया हुआ है। शेड्यूलिंग इनको उन्होंने शायद नहीं दिखाया है, अगर शेड्यूलिंग यहाँ पर ऐड कर देंगे तो और बेहतरीन हो जाएगा, इसके अंदर शेड्यूलिंग भी कर सकते हैं। नेविसवर्क इंटरफेसेस, और यहाँ पर जाने के बाद देखो क्लास कैसे दिखता है, क्लास की रिपोर्ट बन जाती है, उस रिपोर्ट को आप चेक कर सकते हो कि देखो यहाँ पर क्लास मतलब होता है कोई बीम है, उस बीम के ऊपर डक्ट आ रही है तो गलत है ना वो, तो क्लासिंग कैसे पता चलेगी बड़े प्रोजेक्ट के लिए, उसके लिए नेविसवर्क यूज करते हैं। तो नेविसवर्क में फाइनल दे देता है, फिर उसको जाके रेबिट में ठीक करो, तो इस तरीके से रिपोर्ट दे देता है आपको नेविसवर्क कि भाई देखो यहाँ यहाँ पे प्रॉब्लम है, तो हम रेबिट में जाके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, वहाँ पर वॉल कट करेंगे या फिर बीम को ऊपर नीचे करेंगे, सारा कुछ मैनेज करके क्लैसिंग को जीरो करते हैं, बिना जीरो क्लैसिंग के कंस्ट्रक्शन नहीं स्टार्ट कर सकते। देखो यहाँ पर देखो ये पाइप आ रही है क्लैसिंग के लिए, यहाँ देखो ये पाइप प्रॉब्लम कर रहा है, यहाँ पर देखो ये बीम प्रॉब्लम कर रहा है, मतलब अलग अलग सेक्शंस अलग अलग जगहों पर प्रॉब्लम करते हैं, तो इनको सॉल्व किया जाता है नेविसवर के अंदर, और ये आपका फाइनल रिपोर्ट आ जाता है कि भाई अभी अभी यहाँ यहाँ प्रॉब्लम है, और इस तरीके से आप उसको दिखा सकते हो। ये था इनका प्रोजेक्ट, और इनके प्रोजेक्ट में सब कुछ बहुत बेहतरीन इन्होंने पोर्टफोलियो बनाया हुआ है। बस एक चीज़ इनको और करना चाहिए, इनको लास्ट में एक थैंक यू फॉर योर टाइम या फिर थैंक यू इस तरीके से ग्रीट करो कि सामने वाले को बेहतर लगे, प्लस लास्ट में इनको ईमेल आईडी अपना लिखना चाहिए, दो चीज़ इनकी मिसिंग है। और नेविसवर्क में दो तीन चीज़ें और ऐड करेंगे तो अच्छा लगेगा, जैसे कि मैंने शेड्यूलिंग बताया, शेड्यूलिंग अगर ये ऐड कर देते हैं, टाइम लाइनर का वर्क यहाँ पर ज़्यादा नहीं दिखाया इन्होंने, तो टाइम लाइनर का जो जो लिखा है उसकी चीज़ें दिखाओ, तो टाइम लाइनर की चीज़ दिखा दो, और यहाँ पर दिखा दो आप शेड्यूलिंग अगर आपको आता है तो भी दिखा दो, लास्ट में थैंक यू लिखना ना मत भूलो। तो इस तरीके से कंप्लीट पोर्टफोलियो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से दिखाते हैं। अब बताता हूँ कि इस तरह से आप कहाँ से पाओगे ये इमेजेस, ठीक है, कैसे बनाओगे। तो ये देखो इन्होंने बनाया भी बहुत अच्छा है, यहाँ पर इस तरीके से आपके पास रॉ फाइल है, सॉरी नीचे वाली रॉ फाइल है ये, तो देखो इस तरह से आप करके एक एक पेज को अपना वर्ड फाइल में ऐसे, देखो ये इमेज है ना, तो वर्ड फाइल में डायरेक्ट आप इंपोर्ट कर सकते हो, इंपोर्ट करने के बाद इस तरीके से आप सारी इमेजेस को इंपोर्ट कर सकते हो यहाँ से, ये भी देखो सारे के सारे इमेज हुए हैं। चाहो तो आप पावर पॉइंट में भी बना सकते हो। सेम चीज आप चाहो तो वर्ड से बनाओ, चाहे पावर पॉइंट से बनाओ। थोड़ा खराब है, मैनेज कर लेना। तो इस तरीके से आपके पास डायरेक्ट यहाँ से आप इमेज को सर्च कर सकते हो कि मुझे कौन कौन सी इमेज चाहिए, इंसर्ट करोगे, पिक्चर्स पे जाओगे। तो सपोज मेरे पास तो अभी ज़्यादा कुछ नहीं है, ऐसे दो तीन इमेजेस हैं, तो इस तरीके से हमने इंसर्ट कर लिया, और हमने कहा एक को तो नमस्ते बोल दिया हमने, तो एक एक इमेज को इंसर्ट करके चाहो तो आप पावर पॉइंट से बना लो, ठीक है, फिर न्यू स्लाइड्स और ऐसे ऐसे करके पावर पॉइंट से बना लो, या फिर आप यहाँ पर जैसे आपको मैंने यहाँ पर वर्ड में दिखाया हुआ है इस तरीके से वर्ड में बना लो, दोनों का काम एक ही है, तो चाहे जिससे आप बनाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे सर इस तरीके से फिर ये स्टार्टिंग का पेज कैसे बनाऊँ, अच्छा डिज़ाइन कैसे करूँ स्टार्टिंग का पेज, तो इसके लिए आप क्या करना, यहाँ पर जाना, नेट ऑन करके मैं बताता हूँ, सबसे अच्छी साइट है canva.com, कोई स्पॉन्सर वगैरह नहीं है सो कंफ्यूज मत होना, जस्ट बताने के लिए आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे फ्री में आपका बन जाएगा बहुत अच्छा पोस्टर। canva.com मैं यूज़ करता हूँ अपने थंबनेल वगैरह के लिए। यहाँ पे जाना, और यहाँ पे जाके आप अपना कोई भी किस तरीके का आपको चाहिए वो सब आप दिखा सकते हैं इसमें, जैसे यहाँ पे क्रिएट डिज़ाइन करना, और यहाँ पर जो भी आपको कस्टम साइज़ चाहिए वो साइज़ लगा देना, सपोज ये पोस्टर का साइज़ चाहिए तो यहाँ पर जाओगे तो इस तरीके से आपके पास साइज़ आ जाएगा उसका। अब जैसा आप इंट्रो अपना तैयार करना चाहते हो, सपोज आप कुछ इस तरीके से लेना चाहते हो, एक आपने ऐसे ले लिया, अब यहाँ पे अपना नाम वगैरह एडिट कर लो, या अपनी फ़ोटो मतलब प्रोजेक्ट का क्या है पोर्टफोलियो है, तो फ्रंट फ्रंट पेज आप यहाँ से तैयार कर सकते हो और तैयार करके दे सकते हो। सॉरी यार गला ख़राब है, इतना ही रखते हैं अभी, ठीक है। तो इस तरीके से गाइस आपको पोर्टफोलियो मिल जाएगा बहुत अच्छे से।
गला थोड़ा खराब हो गया था इसकी वजह से इसके आगे बोल नहीं पाया। होप आपको समझ में आया होगा कैसे कैसे बनाया मैंने कंप्लीट एक्सप्लेन कर दिया आपको, और साथ ही साथ इसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, आप यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। कैनवा पर आपने देखा जस्ट डाउनलोड पर क्लिक करना है। इसी तरीके से इनस्केप से जितना भी आपने रेंडरिंग किया हुआ है सारे के सारे रेंडर्स को मिक्स कर लीजिए, और मिक्स करने के बाद उसको फटाफट सबमिट करके जैसे बताया आप दे दीजिए अपने किसी भी क्लाइंट को। अब दूसरी चीज, अब बचा है कवर लेटर। क्या आप चाहते हो कि मैं ऐसे ही कवर लेटर पे वीडियो बनाऊं? तो नीचे वीडियो हम मुझे कमेंट चाहिए कि यस सर कवर लेटर। प्लस ऐसे कौन से लोग हैं जो चाहते हैं कि सर स्ट्रक्चर पे पोर्टफोलियो बनाइए, स्ट्रक्चर पे भी पोर्टफोलियो बनाएंगे तो और बेहतर रहता है क्योंकि उससे भी बहुत कुछ पता चलता है। तो अगर आप चाहते हो कि स्ट्रक्चर पे पोर्टफोलियो बने तो नीचे कमेंट करो, कवर लेटर चाहते हो तो कवर लेटर के लिए भी नीचे कमेंट करो। जैसा आपका रिस्पांस रहेगा उसके हिसाब से नेक्स्ट वीडियो आएगा। चलिए जय हिंद जय भारत। होप आशा करता हूँ अच्छा लगा होगा, बच्चों ने बहुत मेहनत करके बनाया था। थैंक यू सो मच।